गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी रीडर बुक का थर्ड चैप्टर है टैरोज रिवॉर्ड। इसके वर्ड मीनिंग हमने पहले कर ली है, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। ए यंग वुडकटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिलसाइड। एक जवान लकड़ारा, वुडकटर यानी लकड़ी काटने वाला लकड़ारा टैरो, लिव्ड यानी रहता था विद हिज मदर, उसकी माताजी और पिताजी के साथ में, कहाँ, ऑन ए लोनली हिलसाइड, एक पहाड़ी के पास में। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वह रोजाना चौपड़ यानी काटता था, वुड यानी लकड़ियाँ, और फॉरेस्ट यानी जंगल से, वह रोजाना जंगल से लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बेचता होगा। दो ही वर्क वेरी हार्ड, और वह बहुत ही मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत ही कम पैसे उनसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, तो वो ये बात उसको दुखी बनाती है, उसके पास पैसे कम है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वह अपने माता पिता के बारे में सोचने वाला लड़का था और वह उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे तो वह बहुत ही दुखी रहता था। वन इवनिंग, एक शाम को, वेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स, जब टैरो और उसके माता पिता वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ दियर हट, झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, तो ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तो एक तेज हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जो हवा थी वो झोपड़ी के अंदर घुसने लगी और उन सभी को ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक से, टैरोज फादर से, टैरो के फादर ने क्या कहा कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, तो साकी, ये सेक है जो ये एक जैपनीज पीने वाला ड्रिंक है जो जिसको पीने के बाद में शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है, तो वो कहते हैं कि अगर वो मेरे पास होता तो इट वुड वार्म वी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो मैं उसको पी लेता और मेरे शरीर के अंदर गर्मी आ जाती और मेरे मन को भी अच्छा लगता, उस टैरो के फादर ने कहा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो टैरो था उसको ये बात बहुत दुखी करती थी कि जो हार्ट वार्मिंग यानी जो अंदर से जो ड्रिंक गर्मी लाने वाला साकी था वो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा आता था, तो टैरो जो था वो उसको खरीद नहीं पाता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो टैरो सोचता था कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क हिमसेल्फ, वह खुद से ही पूछता था, हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, तो मैं कहाँ से अच्छे पैसे कमाऊँ जिससे कि मैं मेरे पुअर पिताजी, मतलब गरीब पिताजी के लिए वो साकी ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने निश्चित किया कि वह पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड एयरलियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह जो टैरो था, टैरो जो था वो अपने बेड से उठा, जिस रोजाना जो उठता था उससे जल्दी वो उठा और जंगल की तरफ गया। ही चोपड एंड कट, और उसने काटना शुरू किया, चौपड़ यानी काटना शुरू किया, एंड कट चौपड, और वो काटता गया एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और जो सूर्य था वो भी चढ़ने लगा यानी दोपहर हो गई। एंड सून ही वाज सो वार्म, और उससे बहुत ही गर्मी लगने लगी, तो दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने अपना जैकेट उतार दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका जो गला था वो सूखने लगा। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस था उस पर बहुत सारे पसीने आ गए। My poor old father, मेरे गरीब पिताजी को भी, he thought, उसने सोचा कि if only he was a warm as I, जैसे मैं, मेरे शरीर, मुझे गर्मी लग रही है ऐसे मेरे पिताजी को भी गर्मी लगती। And with then that he began to chop ever faster, और वह अधिक से अधिक काटने लगा। Thinking of the extra money he must earn to buy the saki to warm the old man bones, और वह सोचता था कि वह जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतने ज़्यादा उसे पैसे मिलेंगे और वो अपने गरीब पिताजी के लिए साकी लेके आएगा जिससे कि उनके, उसके जो पिताजी हैं उसकी हड्डियों में जान आएगी। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से टैरो ने काटना बंद किया। व्हाट वाज दैट साउंड, ही तो उसने कुछ आवाज़ सुनी और उसने सोचा कि ये कैसी आवाज़ है। हियर कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, तो उसको आवाज़ आई और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी वहाँ से बह रहा हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, टैरो जो था उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसी झरना है, जो जंगल में ऐसा कोई झरना है जो यहाँ पर बह रहा होता है। ही वॉज थर्स्टी, वह बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो एक्स यानी जो कुल्हाड़ी थी जो काटने वाले जो उसके पास जो था
वो उसके हाथ से गिर गया और वह उस तरफ दौड़ा जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, बिकॉज उसको बहुत ही प्यास लग रही थी तो वह उस तरफ दौड़ा।